नमस्कार दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार और आप देख रहे हैं फतेहपुर हब। आइए जानते हैं आज की फतेहपुर की फटाफट प्रमुख खबरें। प्रिया मौर्या केस में सपा सांसद नरेश उत्तम शोक जताते हुए कहा कि घटना में जो भी दोषी हैं उन दोषियों को अतिशीघ्र गिरफ्तारी व कठोर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। प्रेमी समेत 3 हत्यारोपियों को जेल भेजा गया। प्रेमी ने किशोरी के शव को कार से 4 दोस्तों के साथ गंगा नदी में फेंकने गया था। पुलिस ने अपहरण व हत्या के मुकदमे में 2 और नाम बढ़ा दिए हैं। फतेहपुर के मेडिकल कॉलेज में ओपीडी शुरू। पहले दिन आए 151 मरीज। पहले दिन मरीज ने विभाग वर कराया इलाज। बिना आयोजन के सामान्य माहौल में 25 डॉक्टर ने शुरू की सेवा। बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज आज से जिला बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित की जा रही है। महात्मा गांधी बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज मंगलवार को गांधी जयंती के अवसर पर स्पोर्ट स्टेडियम में शाम 4 बजे से होगा। एकारी गांव के इनामी दंगल में झांसी के मोहर सिंह को चित कर फतेहपुर के श्री राम ने जीते 51,000 रुपए। प्रदेश की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। केंद्र सरकार का एक और उपक्रम फतेहपुर में लगने जा रहा है। इसके संचालन में प्रदेश सरकार को 6,000 मेगावाट बिजली मिलेगी। जिले में स्थापित होने जा रहा है ट्रांसमिशन सब स्टेशन में बिजली राजस्थान से सीधे फतेहपुर आएगी। समाज कल्याण विभाग द्वारा मवैया गांव में संचालित वृद्ध आश्रम का मंगलवार को डीएम रविंद्र कुमार और एसडीओ पवन कुमार मीणा ने निरीक्षण किया। वृद्ध आश्रम में जाकर महिलाओं और पुरुषों का हाल जाना। माँ काली का आज से वार्षिक उत्सव शुरू। निकलेगी शोभा यात्रा। पिंडकी में सिद्धिपीठ माँ काली जी मंदिर के वार्षिक उत्सव का 3 दिवसीय कार्यक्रम बुधवार को शोभा यात्रा के साथ शुरू होगा। पेयजल योजना के 3 पंप बंद। 30,000 की आबादी प्रभावित। मौली ब्लॉक के 5 ग्रामों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए स्थापित ग्राम समूह पेयजल योजना मौली में खराबी के चलते बंद हो गए 3 हैंडपंप। नलकूप बंद होने से 30,000 की आबादी पर जल संकट छा गया। पिंडकी में कल्याणपुर थाने के गुगौली गाँव में जंगली जानवर के हमले से बच्चे समेत 4 लोग घायल हो गए।